ये मैथ्स ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। क्वेश्चन ऑफ द डे 26 अक्टूबर, दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ सीक्वेंस। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है अकॉर्डिंग टू द नेट एग्जामिनेशन। इस तरह के जो पिछले भी 21 एंड 22 थे इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अदर्स इज ऑल्सो जो उससे पहले के सिक्वेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड टू द बाउंड्री कंडीशन, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड कम टू द ऑल्सो कम इन CSIR नेट एग्जामिनेशन। तो हाउ टू कंसेप्ट, हाउ टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। हियर मैंने पहले ही बताया था, इस तरह के प्रॉब्लम को पहले आपको चेक करना है कि द गिवन दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और सॉरी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बोथ मे बी पॉसिबल। किसी सीक्वेंस में वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी, दोनों हो सकते हैं। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है दोनों हो, सो दैट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज द कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। तो वो अनदर पोर्सन हो जाएगा, बट उसकी हमें बात यहाँ पे अभी आएगा तो करेंगे, क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का वर्ड्स आएगा। अनदर सेंस इज हियर कि सीक्वेंस अब बाउंडेड है कि नहीं है, उसके बाद हम बाउंडेड चेक करते हैं, उसके बाद उसकी बाउंड्री कंडीशन को डिसाइड करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हमारी बन रही है, कौन से रूल्स रेगुलेशंस वहाँ पे फिट हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम पहले इसकी बात करें। दैट इज़ ए गिवन कि an इज इक्वल टू an माइनस वन सॉरी और an माइनस टू बाई टू। सो व्हाट मीन बाय दिस, एक सिंपल सा जैसे हम मान लीजिए कह रहा है कि दैट इज़ एन इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू थ्री है, तो ठीक है n का मान हम अब 3 ले लेते हैं। सो ए थ्री इज इक्वल टू क्या मिलेगा ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम रख दें इस वाले से सीक्वेंस से कर लें तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे या तो ए टू प्लस ए वन बाई टू। सो व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर जैसे हम मान लीजिए ये होता ना एक्स वाई टू नंबर्स हैं, तो अर्थमेटिक मीन हम क्या लिखते हैं, दैट इज एक्स प्लस वाई बाई टू। ठीक है, ये 12th लेवल में हमारा 10th लेवल में है क्या प्लस बाई बाई टू। सो व्हाट इज द रिप्रेजेंट बाय दिस कि ये है क्या ए थ्री इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए वन एंड ए टू। इट मीन्स ए थ्री लाई बिटवीन बिटवीन ए वन एंड ए टू। इट मीन्स हियर ए वन ग्रेटर देन ए टू, लेस देन ए थ्री, लेस देन ए टू। दैट इज क्लियर, ये हो जाएगा। अब ए फोर की बात करें तो ए फोर क्या मिलेगा, आ जाइए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से आ जाइए ए टू या यहाँ पे ए थ्री प्लस ए टू बाई टू। सो वेयर इज लाई बिटवीन दिस दैट बिटवीन, इट मीन्स अगेन बन गया दिस इज द ए वन लेस देन ए थ्री लेस देन ए फोर लेस देन ए टू। ठीक, हियर ए फाइव की बात कर ले तो यहाँ जाएगा ए फोर प्लस ए थ्री बाई टू, सो इम्प्लाई दैट इज लाई बिटवीन द ए फोर, इनके बिटवीन मतलब ए वन लेस देन ए थ्री लेस देन ए फाइव लेस देन ए फोर लेस देन ए टू। सो सिमिलरली ए वन लेस देन ए थ्री लेस देन ए फाइव लेस देन डॉट डॉट, फिर यहाँ से आ जाइए तो यहाँ पे मान लीजिए ए सिक्स हो जाएगा ए टू हो जाएगा सॉरी ए फोर लेस देन ए टू, ये हो जाएगा। इससे पहले बहुत सारा सीक्वेंस बनेगा, दैट इज़ दो पोर्शन बन रहे हैं, दो पोर्शन बन रहे हैं। सो इट कैन बी रिटेन एज व्हाट, नाउ हियर मेकिंग टू सीक्वेंस, कौन सा हियर टू सीक्वेंस, कौन कौन से हैं, ए वन लेस देन ए थ्री लेस देन ए फाइव लेस देन ए सिक्स, सो दैट इज डिक्रीजिंग, देख लीजिए घट रहा नहीं सॉरी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, दैट इज ए इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। ठीक है, एंड ए टू ग्रेटर देन ए फोर ग्रेटर देन ए सिक्स एंड सन, सो दैट इज डिक्रीजिंग। ठीक, सो इट मीन्स दैट इज अ डिक्रीजिंग, सो विच आर कॉम्प्लीमेंट्री सब सिक्वेंसेस। ठीक है, इसको आप एक जनरल कह सकते हो, इसको अगर हम कहें दैट इज ऑड टर्म्स, ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए टू के माइनस वन एंड दैट इज अ ए टू के। ठीक, इवन के लिए है और ये ऑड के लिए है।
ठीक है. सो इवन एर ऑड के लिए है. सो हियर विच आर कॉम्प्लीमेंट्री सबसिक्वेंस. ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री सबसिक्वेंसेस है, ये कंडीशन है हियर. तो दो सिक्वेंस मिल गए, ये हमारे पास दो सिक्वेंसेस मिल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री सब सिक्वेंस. अभी जब मैं आगे लेक्चर्स कभी इस कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस पे एक बनाऊंगा आपको, तो बताऊंगा कि व्हाट इज द एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस है क्या. बट जनरल उसका कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस ऐसा रहता है कि अगर दो सिक्वेंस दिए हों जैसे, तो आप एस वन इंटरसेक्शन एस टू कर लें, सो दैट वैल्यू इज 5 मिलनी चाहिए, और एस वन इंटरसेक्शन यूनियन कर दें एस टू, सो एन मिलना चाहिए नेचुरल नंबर्स. तो इस तरह का अगर दो सिक्वेंसेस के बीच में रिलेशन क्रिएट हो जाए, तो उसको हम कहेंगे द कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस. ठीक है, सब सिक्वेंस, सॉरी. तो इस तरह के, बट वहाँ पे भी उस पर बात नहीं करनी है. तो ये दो चीज़ें हमने डिसाइड कर ली, मतलब एक इंक्रीजिंग है और एक डिक्रीजिंग है. बट फाइनली दैट रिजल्ट इज बिटवीन दिस इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज बिटवीन ऑफ दिस. ठीक है, ये है. तो अब हम ये चेक करना है स्टूडेंट कि हम फ्रेंड्स कि हम देखें कि जो कॉम्प्लीमेंट्री सब सिक्वेंस है वो क्या किसी एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पे मतलब कन्वर्जेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टू कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंसेज आर हियर. सो क्या यह एक ही पॉइंट पे मतलब कन्वर्ज हो रहे हैं, जनरली होते ही हैं, बट हमें ये चेक करके दिखाना है, क्योंकि हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे तो हमें कुछ रिजल्ट्स वगैरह नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये बातें हैं. तो हम चेक करते हैं, देखते हैं कि ये एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सिंपल सी बात है कि विच आर कन्वर्जेंट आर नॉट इन पॉइंट्स. तो नाउ वी चेक द विच कन्वर्जेंट आर सेम पॉइंट सेम लिमिट आर नॉट. वी चेक विच आर कन्वर्जेंट सेम लिमिट पॉइंट आर नॉट. ठीक, तो मान लेते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटीज a 2k माइनस 1 इज इक्वल टू l 1, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटीज a 2k इज इक्वल टू l 2. एक सिंकर. बट यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करें, तो मान लीजिए एक छोटा सा कंसेप्ट ले लेते हैं, जियर a 3 इज इक्वल टू वन, ए टू प्लस ए वन हो जाएगा बाई टू. ठीक है, इसी पे लिमिट लगा लेते हैं. एक मॉडल आर हमें सिर्फ इस पे चेक कर लेना है, किसी के लिए हो सकता है. तो यहाँ पे हम अगर लिमिट करें, दिट इज द ए थ्री लिमिट वन बाई टू लिमिट ए टू प्लस वन बाई टू लिमिट ऑफ ए एन वन. सो दैट वैल्यू इज वॉट, ये पता है आपको, दैट इज़ एल. हमने क्या माना एल वन है, ये हो जाएगा वन बाई टू एल टू प्लस वन बाई टू एल वन. सो दैट इज़ अ वन बाई टू एल वन बराबर वन बाई टू एल टू. सिंपल. सो एल वन बराबर एल टू मीन्स विच इज़ द कन्वर्जेंट सेम पॉइंट्स. ठीक है, सो विच इज कन्वर्जेंट या सेम पॉइंट, ये सेम पॉइंट पे कन्वर्जेंट है. दैट इज हियर, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सब सिक्वेंसेज आर कन्वर्जेंट टू द सेम पॉइंट, दिस इज एल वन एंड एल टू. ठीक है, इसी तरह आप बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के कर सकते थे इसके लिए, हम ए थ्रू ए फोर या डायरेक्ट इसके लिए सिक्वेंस कर देते टू एन समथिंग. बट एक छोटा सा कंसेप्ट लेकर के हमने सिर्फ देख लिया कि दैट इज अ विच आर कन्वर्जेंट टू द सेम पॉइंट्स. ओके, तो नाउ अब ये तो हो गया कि मतलब ये चीज़ दिख गई कि हमें ये कन्वर्जेंट है. तो जब सेम पॉइंट पे कन्वर्जेंट है, सो ए एन इज आल्सो कन्वर्जेंट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये बाउंडेड भी है ना, ये तो बाउंडेड है ना. यहाँ पे इस बाउंड्री कंडीशन के बिटवीन ये है ए वन लेस देन ए सॉरी ए थ्री. ठीक है, और ए फाइव अप टू इस तरह से है ए फोर लेस देन ए टू, इनके बिटवीन ही तो है. तो ए वन ए टू मतलब ये क्या है, ए वन क्या आपका जीरो, और हियर जीरो और वन के बीच ये है ना ए टू, इनके बिटवीन तो ही है. सो दैट इज़ द जीरो एंड वन के बिटवीन तो लाई कर रहा है ये. ठीक है, सो दैट इज़ द बाउंडेड,
बाउंडेड, ठीक, सो बाउंडेड भी है, ठीक है, सो दैट मीन्स हियर विच इज कन्वर्जेंट एंड बाउंडेड. सो जब विच इज कन्वर्जेंट एंड बाउंडेड, तो एवरी वन इज नो कि सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड बाउंडेड है, सो दैट इज द कॉची सीक्वेंस. तो मोनोटोन तो नहीं होगा, ये पहला ही कंडीशन हो गए, क्योंकि इस सेट में जो सीक्वेंस में है वो दिया हुआ है क्या, एक इंक्रीजिंग है और एक डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में है, ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर है. देख लीजिए, दैट इज द इंक्रीजिंग, और ये अगर ये इस वाले पोर्शन को लेते हैं तो ये क्या होता है आपका, डिक्रीजिंग हो जाता है. सो दैट केस इज मोनोटोनिक नहीं हो सकता, मोनोटोन दो एक ही सेट में दोनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं, सो दैट पोर्शन इज द रॉन्ग, ठीक है. अब बचा कॉची सीक्वेंसेस इज करेक्ट. अब इन दोनों में से कोई एक ट्रू होगा, इन दोनों ऑप्शन पे हम बात करेंगे. तो पहले हम देखेंगे कि हमारे लिमिट के हिसाब से हमारा वर्क क्या हो पाता है. तो आइए अब इस पर हम बात करें, दैट इज हियर. तो A3 से स्टार्ट करता हूँ, A3 हमारा क्या मिलता है, दिस इज इसको मैं ऐसे लिख दूँ थोड़ा, ए एन माइनस टू बाई टू और प्लस ए एन माइनस वन बाई टू, ठीक है. तो अब आइए, A3 मतलब यहाँ पे हो जाएगा A2, सॉरी A1 वन बाई टू प्लस A2 टू बाई टू. ए फोर कितना हो जाएगा, A4 हो गया A2 टू बाई टू और प्लस A3 थ्री बाई टू, ठीक. ए फाइव की बात कर लें तो ए फाइव मतलब एन फाइव मतलब ए थ्री बाई टू और प्लस फिर ए टू बाई सॉरी ए फोर बाई टू. इसी तरह हम चलेंगे तो ए एन माइनस वन, ठीक. ए एन माइनस वन में यहाँ पे आ जाएगा तो ए एन माइनस थ्री बाई टू और यहाँ पे हो जाएगा ए एन माइनस टू बाई टू एंड ए एन इज आल्सो ए एन माइनस टू बाई टू प्लस एन माइनस वन बाई टू, ठीक. अब इनको जोड़ देना है, सबको हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या रिजल्ट्स मिलेगा, ये देख लीजिए. दैट इज हियर एडिंग टू दिस, सो ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए एन इज इक्वल टू, और इससे पहले है ए एन माइनस वन, इसको भी ले लेता हूँ, ए एन माइनस वन प्लस ए एन इज इक्वल टू. अब देखिए ये सब थिंग है तो सिर्फ ए वन बाई टू आ जाएगा प्लस ए टू आएगा ए थ्री आएगा, ठीक है, ए फोर भी आ जाएगा प्लस अप टू समथिंग, बाकी ये समथिंग आ जाएंगे, सब कट जाएंगे, ए एन माइनस टू बाई टू आ जाएगा और प्लस ए एन माइनस वन बाई टू, ये चीज़ें आ जाएंगी. तो एवरीथिंग जो है ये सारे टर्म्स कटेंगे, ठीक है, सब कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ ये पोर्शन सॉरी ए टू बच जाएगा, यहाँ से ये नहीं जाएगा, बाकी ये देख लीजिए सभी टर्म्स कटेंगे, जो कुछ ये भी कट जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा हमारा, और इधर में ये बच जाएगा, ठीक. तो मतलब ए एन माइनस वन प्लस ए एन, और इसको लिख देंगे ए एन माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू प्लस ए टू, यहाँ पे ए वन, ठीक. तो ये सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, ये हमारा जो लिमिट के साथ जो कंसेप्ट है, इस वाले पोर्शन को हम कर लें, लिमिट वाला कंसेप्ट, तो देख लीजिए क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ए एन माइनस वन बाई टू प्लस ए एन बराबर वन बाई टू ए वन प्लस ए टू. तो पुट द लिमिट्स अप्लाई हियर, तो लिमिट n tending to infinity is a n minus 1 upon 2 plus a n बराबर 1 by 2, यहाँ से हो जाता है ए वन प्लस टू ए टू, ऐसे कर लेता हूँ, दिस इज एल सी एम. तो ये हो गया l by 2 प्लस l बराबर 1 by 2 a वन प्लस टू ए टू, सो 3 l by 2 इज इक्वल टू a वन प्लस टू ए टू by 2, दैट इज द कैंसिल. सो एल इज इक्वल टू क्या होगा, ए वन प्लस टू ए टू बाई थ्री, एल इज इक्वल टू दैट इज द कन्वर्जेंट. अब एल ए वन इज ज़ीरो टू टू, तो ज़ीरो प्लस टू इंटू वन बाई थ्री, दिस इज टू बाई थ्री,
So that is answer is here 3 the is correct, that is the wrong. तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम था, तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए इतना सारा कंसेप्ट हमने लगा दिया, तो मेन इम्पॉर्टेंट थे ये चीज़ें सीखनी और बाकी के तो ईजिली हो जाते हैं. सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय.